चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। करीब दो दशक से भी ज्यादा समय से रूट 375 की बस की कहानी सुनाई जाती रही है। यह आज भी पुलिस के लिए एक पहेली है। इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। ये कहानी सुनने में तो किसी भूत प्रेत की लगती है, मगर इसमें टाइमलाइन है, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन और काफी सारी चीजें आपको महज काल्पनिक लगेंगी। ये एक रात की रहस्यमयी कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। ये कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड काफी ज्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक महिला ड्राइवर और एक कंडक्टर बच गई थी। फ्रेग्रेंट हिल का सफर अभी भी लंबा था क्योंकि अभी भी 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ गुजर रहा था। एक दो स्टॉप के गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर प्लेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ एक ओल्ड लेडी, 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और ओल्ड लेडी उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकेगा क्योंकि वहां जहां ये खड़े थे वहां कोई बस स्टॉप नहीं था, लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। महिला ने कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, मगर तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में सफर कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे देकर खड़ा रखा था। तीसरा व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैले इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में कपड़े उतारना भूल गए हों। अब बस आगे की ओर बढ़ती है। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो ओल्ड लेडी सफर कर रही थी वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इस स्टॉप पर उतर जाता है। अब बस फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वो ओल्ड लेडी बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। ओल्ड लेडी के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नजारा देखने में व्यस्त था। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद ओल्ड लेडी जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर ओल्ड लेडी की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात ओल्ड लेडी को समझाई, मगर ओल्ड लेडी अपनी बातों पर अड़ी थी और उस लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने ओल्ड लेडी को बहुत समझाया मगर वो नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही ओल्ड लेडी ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस से अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने उस बूढ़ी महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आपके इस गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊँगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वो बूढ़ी महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है,
ये इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। ये सुन लड़का चौंक कर बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? वो बूढ़ी महिला कहती है, याद है तुम्हें वो तीन व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नजर रखी, मुझे शुरू से ही वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। ये देख मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा है। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। ये देख मैं समझ चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया। यह सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि ये बात ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई, तो वो बूढ़ी महिला ने बताया कि उन्होंने इस बात को गंभीर रूप से नहीं लिया और उन्होंने उससे कहा कि आपकी आंखों को धोखा हुआ है। इसके बाद वो बूढ़ी महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस ये आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की घटना हुई तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। वो बूढ़ी महिला और लड़का अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रेगरेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वो अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को ये सूचना मिलने के बाद ये समझ आ गया था कि वो बूढ़ी महिला और लड़का जो कह रहे थे वो सच था। तुरंत पुलिस वो बूढ़ी महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में ये खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले मगर कहीं भी उसका नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वह बस नंबर 375 ही थी। यह बस फ्रेगरेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर नदी में मिली। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 2 मरे हुए लोगों के लाश थे जिसमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। चौंकाने वाली बात ये थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थी लेकिन बाकी 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। डिपो से संपर्क करने पर बताया गया कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खून से भरे हुए थे। रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी कैमरे में बस कैद नहीं हुई थी। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि कौन थे वो 3 लोग, क्या वो कोई इंसान थे या फिर सचमुच के कोई भूत। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।